AEIOU के उच्चारण के नियम। आज मैं आपको इस वीडियो में AEIOU के सभी उच्चारणों के बारे में बताऊंगा। जो AEIOU हमारे वॉवल्स होते हैं, आज इस वीडियो में आपको इन सभी के सभी रूल्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ए का उच्चारण, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ए आता है तो ए को हम बड़ी ए से पढ़ते हैं। मतलब जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच अगर ए आएगा तो ए को हम बड़ी ए से पढ़ेंगे। बड़ी ए मतलब दो मात्राओं से पढ़ेंगे, जैसे बैग, बैड, बैट, कैट, कैप, कैन, फैन, हैट, मैन। इन सभी वर्ड्स में देखिए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ए आया है, और अगर जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ए आएगा तो ए को हम दो मात्राओं से पढ़ेंगे, जैसा कि इस रूल में बताया गया है। अगर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ए आएगा तो ए को हम बड़ी ए से पढ़ेंगे, और बड़ी ए मतलब दो मात्राओं से पढ़ेंगे। अगला रूल, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को छोटी ए से पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी वर्ड में ए आ रहा है और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ रहा है, मतलब ए आ रहा है ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आ रहा है तो हमें ए को छोटी ए मतलब एक मात्रा से पढ़ना है। जैसे बेक, बेस, केक, फेक, हेट, सेम, लेट, डेट, मेक। इन सभी वर्ड्स में देखिए ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आया है। अगर जब भी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आएगा तो ए को हम छोटी ए से पढ़ेंगे, और छोटी ए मतलब एक मात्रा होती है, जैसा कि इन सभी वर्ड्स में हमने ए को पढ़ा है। ए को छोटी ए से पढ़ेंगे अगर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आएगा तो। अगला रूल है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ से पढ़ते हैं। मतलब अगर ए के बाद डबल एल आएगा तो ए को हमें ओ से पढ़ना है। जैसे ऑल, कॉल, टॉल, हॉल, फॉल, वॉल, स्मॉल, स्टॉल, बॉल। इन सभी वर्ड्स में देखिए ए के बाद डबल एल आया है, और जब भी ए के बाद डबल एल आएगा तो ए को हम ओ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को बड़े आ से पढ़ते हैं। मतलब अगर ए के बाद आर आएगा तो ए को हम बड़े आ से पढ़ेंगे। ए के बाद जब आर आएगा तो ए को हम बड़े आ से पढ़ेंगे। जैसे बार्क, कार्ड, डार्क, फार्म, हार्म, मार्क, पार्क, यार्न, वार्म। इन सभी वर्ड्स में देखिए ए के बाद आर आया है, और जब भी ए के बाद आर आएगा तो ए को हम बड़ी तो ए को हम बड़े आ से पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी ए के बाद आर आता है तो हम ए का प्रोनंसिएशन बड़े आ से करते हैं। नेक्स्ट,
जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी ए का उच्चारण बड़े आ से करते हैं। मतलब अभी जैसा कि बताया ए के बाद आर आएगा तो हम ए का उच्चारण बड़े आ से करेंगे, अगर ए के बाद एस टी या एस के आएगा तब भी हम ए को बड़े आ से पढ़ेंगे। जैसे पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट, मास्क, बास्क, टास्क, फ्लास्क। इन सभी वर्ड्स में देखिए ए के बाद एस टी या फिर एस के आ रहा है, और जब भी ए के बाद एस टी या फिर एस के आता है तो हम ए को बड़े आ से पढ़ते हैं। अगर ए के बाद एस टी एस के आता है तब भी हम ए को बड़े आ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ए के बाद बाई आए तो ए को छोटी ए से पढ़ते हैं। मतलब अगर ए के बाद बाई आएगा तो हमें ए को छोटी ए से पढ़ना है, छोटी ए मतलब एक मात्रा से पढ़ना है अगर ए के बाद बाई आएगा तो। जैसे बे, डे, ले, मे, पे, रे, से, वे, प्ले। इन सभी वर्ड्स में देखिए ए के बाद बाई आया है, और जब भी ए के बाद बाई आएगा तो हम ए बाई को हम छोटी ए से पढ़ेंगे, ए को छोटी ए से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई को छोटी ए से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में ए आई आ रहा है और ए आई के बाद एन या फिर एल आ रहा है तो हमें ए आई को छोटी ए मतलब एक मात्रा से पढ़ना है। जैसे पेन, मेन, गेन, रेन, बेल, फेल, हेल, मेल। इन सभी वर्ड्स में देखिए सभी वर्ड्स में ए आई आ रहा है और ए आई के बाद एन या फिर एल आ रहा है। जब भी ए आई के बाद एल या फिर एन होता है तो ए आई को हम एक मात्रा से पढ़ते हैं, मतलब छोटी ए से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए आ से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ रहा है, ए के बाद आर ई आ रहा है तो हमें ए को ए आ से पढ़ना है, ए आ मतलब डबल साउंड से पढ़ना है। सबसे पहले हमें ए को ए पढ़ना है फिर आ पढ़ना है। जब भी ए के बाद आर आता है, आर ई आता है तब हमें ए को ए और आ से पढ़ना है। चाहे कोई भी वॉवल्स हो, कोई भी वॉवल्स हो, अगर किसी भी वॉवल्स के बाद आर आता है तो हम उस वॉवल्स को डबल साउंड से ही पढ़ते हैं। अगर किसी वॉवल्स के बाद आर आता है तो हम उस वॉवल्स को ज़्यादातर डबल साउंड से ही पढ़ते हैं। पहला साउंड जो होता है हमारा वो वॉवल्स के अकॉर्डिंग आता है, और जो दूसरा साउंड होता है हमारा वो हमेशा आ आता है। पहला साउंड होता है वो वॉवल्स के अकॉर्डिंग आएगा, और जो दूसरा साउंड होता है वो हमेशा आ होता है। चलिए समझते हैं, जब भी ए के बाद आर ई आएगा तो ए को हमें ए और आ से पढ़ना है। जैसे के अर, डे अर, फे अर, मे अर, ले अर, से अर। इन सभी वर्ड्स में देखिए ए के बाद आर ई आया है, और जब भी ए के बाद आर ई आता है तो हमें सिर्फ ए को
दो अक्षर की आवाज़ से पढ़ना है, ए को हमें डबल अक्षर के साउंड से पढ़ना है। पहले हमें ए को ए पढ़ना है, फिर ए को आ पढ़ना है, जैसा कि इन सभी वर्ड्स में पढ़ा गया है, केयर, डेयर, फेयर, मेयर, लेयर, शेयर। अगला रूल है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को भी ए आर से पढ़ते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, ए के बाद आर ई आए तो, ए के बाद आर ई आए तो, 8 नंबर रूल में बताया था, ए के बाद आर ई आए तो। इस रूल में बताया है ए आई के बाद आर आए तो। अगर ए आई के बाद भी आर आएगा तब भी हमें ए आई को ए आ से पढ़ना है, मतलब ए आई के बाद अगर आर आता है तो हमें ए आई को भी ए आ से पढ़ना है, डबल साउंड से पढ़ना है। जैसे चे अर, फे अर, हे अर, पे अर, ए अर। इन सभी वर्ड्स में देखिए ए आई के बाद आर आया है और हमने ए आई को ए और आ दो साउंड से पढ़ा है। सबसे पहले ए आई को ए पढ़ा है, फिर आ पढ़ा है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को ओ से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में ए यू आ रहा है तो हमें ए यू को ओ से पढ़ना है। जैसे कॉट, कॉज, नॉटी, डॉटर। इन सभी वर्ड्स में देखिए ए यू को हमने ओ से पढ़ा है। और हाँ, इन वर्ड्स में जो जी एच टी दिया है, इन वर्ड्स में जो जी एच टी आ रहा है, जी एच टी में हम जी एच को नहीं पढ़ते हैं। जब भी जी एच टी आएगा तो जी एच हमेशा साइलेंट होता है। मेन फोकस हमारा ए यू पर है, ए यू को हम ओ से पढ़ते हैं। जैसे कॉट, नॉटी, कॉज, डॉटर। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आ रहा है तो हमें ए डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ना है। जैसे कौ, सौ, लौ, रौ, फोन, हॉक, सॉल। इन सभी वर्ड्स में ए डब्ल्यू आया है और ए डब्ल्यू को ओ से पढ़ा गया है। ई का उच्चारण। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच ई आए तो ई को छोटी ए से पढ़ते हैं। अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच ई आ रहा है तो हमें ई को छोटी ए से पढ़ना है, छोटी ए मतलब एक मात्रा से पढ़ना है अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई आ रहा है तो। जैसे सेट, लेट, गेट, पेट, नेट, वेट, डेन, हेन, टेन। इन सभी वर्ड्स में देखिए कॉन्सोनेंट्स के बीच ई आ रहा है। जब भी दो या फिर तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच ई आएगा तो हमें ई को छोटी ए से पढ़ना है, छोटी ए मतलब एक मात्रा से पढ़ना है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जब डबल ई आता है तो उसे हमें बड़ी ई से पढ़ना है। जैसे डीप, कीप, वीप, फीट, हील, जीप, सीक, वीक, मीट। इन सभी वर्ड्स में डबल ई आया है और जब भी डबल ई आता है तो डबल ई को हम बड़ी ई से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी हमें ई ए को भी बड़ी ई से पढ़ना है, मतलब डबल ई आता है तो हमें बड़ी ई से पढ़ना है और अगर ई ए आता है तब भी हमें बड़ी ई से पढ़ना है। डबल ई और ई ए को हम बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे
बीट, हीट, लीन, मीट, नीट, पीक, टी, सी, वीक। इन सभी वर्ड्स में देखिए, सभी वर्ड्स में ई ए आ रहा है और ई ए को हमने बड़ी ई से पढ़ा है। नेक्स्ट, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ई आ से पढ़ते हैं। मतलब जब भी ई ए या डबल ई के बाद आर आएगा तो हमें डबल ई या फिर ई ए का साउंड ई और आ निकालना है। ई ए और डबल ई का साउंड हमें ई और आ निकालना है। और जैसा कि बताया था आपको, किसी भी वॉवल्स के बाद अगर आर आता है, किसी भी वॉवल्स के बाद अगर आर आता है तो हम उस वॉवल्स को डबल साउंड से पढ़ते हैं। पहला साउंड हमारा वॉवल्स के अकॉर्डिंग होता है और दूसरा साउंड हमेशा हमारा आ होता है। जैसे डियर, चीयर, फियर, टीयर, नियर। इस रूल में देखिए, सभी वर्ड्स में ई ए और डबल ई के बाद आर आ रहा है। जब भी डबल ई और ई ए के बाद आर आता है तो हम डबल ई और ई ए को ई आ से पढ़ते हैं, ई और आ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को छोटे आ से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में ई के बाद आर आ रहा है तो ई को हमें छोटे आ से पढ़ना है। जैसे हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म। इन सभी वर्ड्स में देखिए, ई के बाद आर आ रहा है और जब भी अगर ई के बाद आर आता है तो ई को हमें छोटे आ से पढ़ना है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को ई यू से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में ई डब्लू आ रहा है तो हमें ई डब्लू को ई यू से पढ़ना है। जैसे ड्यू, फ्यू, स्यू, म्यू, न्यू। इन सभी वर्ड्स में देखिए, ई डब्लू आया है और ई डब्लू को हमने ई यू से पढ़ा है। जब भी किसी वर्ड में ई डब्लू आएगा तो ई डब्लू का प्रोनंसिएशन हम ई यू से करेंगे। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं अगर वो किसी वर्ड में आ रहा है तो। जैसे रिसीव, कंसीव, डिसीव। इन वर्ड्स में देखिए, ई आई आ रहा है और ई आई को हमने बड़ी ई से पढ़ा है। जब भी किसी वर्ड में ई आई आएगा तो हमें ई आई का प्रोनंसिएशन बड़ी ई से करना है। ई आई को हम बड़ी ई से पढ़ते हैं जब भी वो किसी वर्ड में आता है। नेक्स्ट, ई ओ को ई ओ से पढ़ते हैं, ई ओ से पढ़ते हैं। जैसे जियोमेट्री, जियोमेट्री, ई ऑन। इन वर्ड्स में देखिए, ई ओ आया है और ई ओ का उच्चारण हमने ई ओ किया गया है। जैसे जियोमेट्री, ई ऑन, ई ओ से किया है। नेक्स्ट, ई यू, ई यू, ई यू को हम यू से पढ़ते हैं। अगर ई यू आ रहा है किसी वर्ड में तो ई यू को हमें यू से पढ़ना है। जैसे यूरोप, यूलॉजी। इन वर्ड्स में देखिए, इन दोनों वर्ड्स में ई यू आया है और ई यू जब भी किसी वर्ड में आएगा तो ई यू को हमें यू से पढ़ना है। नेक्स्ट,
जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। मतलब अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है तो हमें उसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। जैसे लाइक लाइफ, गिव मेक, बाइक राइस, इन सभी वर्ड्स में देखिए लास्ट में ई आया है, और जब भी किसी भी वर्ड में लास्ट में ई आएगा तो ई को हम नहीं पढ़ते, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। जब लास्ट में ई आएगा तो उसको हम पढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट, आई का उच्चारण। आई का उच्चारण, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आए तो आई को छोटी ई से पढ़ते हैं। अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई आएगा तो आई को छोटी ई से पढ़ेंगे। जैसे डिप हिट, रिब टिल, किल फिल, मिल्क सिल्क, लिफ्ट, इन वर्ड्स में देखिए दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आया है, और जब भी दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई आएगा तो आई को हम छोटी ई से पढ़ेंगे, जैसा कि इन वर्ड्स में पढ़ा गया है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी वर्ड में आई आ रहा है और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ रहा है, आई आ रहा है आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आ रहा है तो हमें आई को आई से पढ़ना है। जैसे बाइक बाइट, लाइक नाइस, टाइम वाइफ, साइज लाइफ, फाइन, इन सभी वर्ड्स में देखिए आई आया है और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है। जैसा कि आपको बताया गया है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आता है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आता है तो हमें आई को आई से पढ़ना है, आई को आई से पढ़ना है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आएगा तो आई ई को हमें आई से पढ़ना है। जैसे डाई लाई पाई टाई, इन सभी वर्ड्स में आई ई को आई से पढ़ा गया है। जब भी लास्ट में आई ई आएगा तो हम आई ई को आई से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को छोटे आ से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में आई के बाद आर आएगा तो आई को छोटे आ से पढ़ना है। जैसे बर्ड शर्ट चर्प डर्टी फर्म, इन सभी वर्ड्स में देखिए आई के बाद आर आया है और जब भी किसी वर्ड में आई के बाद आर आएगा तो हमें आई को छोटे आ से पढ़ना है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आ या से पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी वर्ड में आई आ रहा है और आई के बाद आर ई आ रहा है तो हमें आई को आ और हेया
से पढ़ना है, आ य से पढ़ना है। जैसे फायर, वायर, इंस्पायर, हायर, टायर, इन सभी वर्ड्स में देखिए आई के बाद आर ई आ रहा है, और जब भी किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आता है तो हम आई को आ और या, आई को आ या से पढ़ते हैं। जब भी आई के बाद आर ई आता है तो आई को आ या से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे फील्ड, सीज, बिलीव, इन सभी वर्ड्स में आई ई आया है और आई ई को हमने बड़ी ई से पढ़ा है। अगर किसी वर्ड में आई ई आता है तो आई ई को हम बड़ी ई से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं, और जी एच टी में आया जी एच हमेशा साइलेंट रहता है। अगर किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आ रहा है, आई के बाद अगर जी एच टी आ रहा है तब भी हमें आई को आई से पढ़ना है, और जैसा कि बताया गया जी एच टी में हमेशा जी एच हमेशा साइलेंट होता है। आई के बाद जब भी जी एच टी आता है तो हमें आई को आई से पढ़ना है। जैसे फाइट, नाइट, लाइट, माइट, राइट, टाइट, इन सभी वर्ड्स में आई के बाद जी एच टी आया है, और जब भी किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आएगा तो हमें आई को आई से पढ़ना है। अगर आई के बाद जी एच टी आएगा तो आई को आई से पढ़ना है, और जी एच टी में जी एच साइलेंट रहता है। नेक्स्ट, जब आई के बाद एन डी या एल डी आए तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। जब आई के बाद एन डी एल डी आएगा तब भी आई को आई से पढ़ेंगे। जैसे माइंड, फाइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, इन सभी वर्ड्स में आई के बाद एन डी या फिर एल डी आया है, और जब भी किसी वर्ड में आई के बाद एन डी या फिर एल डी आएगा तो हमें आई को आई से पढ़ना है। अगर आई के बाद एन डी या फिर एल डी आता है तो। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को आ से पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद आई ओ एन आता है तो हमें आई को छोटे आ से पढ़ना है। जैसे अटेंशन, क्रीसन, मेंशन, टेंशन, पेंशन, इन सभी वर्ड्स में देखिए टी के बाद या फिर एस के बाद आई ओ एन आया है, और जब भी किसी वर्ड में टी या फिर एस के बाद आई ओ एन आएगा तो हमें आई को छोटे आ से पढ़ना है। जब लास्ट में टी या एस के बाद आई ओ एन आता है तो हम आई को छोटे आ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओ का उच्चारण। जब दो कॉन्सनेंट्स के बीच ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। जैसे कॉट, फॉग, हॉट, लॉग, पॉट, टॉप, इन सभी वर्ड्स में देखिए दो कॉन्सनेंट्स के बीच ओ आया है, और जब भी दो कॉन्सनेंट्स के बीच ओ आएगा तो ओ को हम ओ से पढ़ेंगे।
नेक्स्ट, जब ओ के बाद बाई आए तो, ओ के बाद बाई आए तो ओ वाई को ऑय से पढ़ते हैं, जैसे बॉय, टॉय, जॉय, रॉय, लॉयल। इन सभी वर्ड्स में देखिए ओ के बाद बाई आया है और जब भी ओ के बाद बाई आएगा तो हमें ओ वाई को ऑय ऑय से पढ़ना है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में ओ आई आ रहा है तो ओ आई को हमें ऑई से पढ़ना है, जैसे बॉ ए ल, कॉ ए न, सौ ए ल, चौ ए स, हौ ए स्ट, मौ ए स्ट। इन सभी वर्ड्स में ओ आई आया है और ओ आई को हमने ओ ई से पढ़ा है, ओ आई को हमने ओ ई से पढ़ा है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आ ऊ से पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में ओ यू आएगा तो ओ यू को हमें आ ऊ से पढ़ना है, जैसे डाउट, राउंड, साउंड, काउंट, वाउंड, माउंट। इन सभी वर्ड्स में देखिए सभी में ओ यू आया है और अगर किसी भी वर्ड में ओ यू आएगा तो ओ यू का उच्चारण हम आ ऊ से करते हैं, आ और ऊ से करते हैं। नेक्स्ट, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं, मतलब अगर किसी वर्ड में ओ आ रहा है और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ रहा है तो हमें ओ को ओ से पढ़ना है। अगर ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो ओ को ओ से पढ़ना है, जैसे बोन, कोन, डोम, होल, मोल, नोज, रोप, सोल, रोज। इन सभी वर्ड्स में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया है, सभी वर्ड्स में ओ को ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया है और जब भी अगर ओ को छोड़कर एक कॉन्सोनेंट ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो हमें ओ को ओ से पढ़ना है। अगर ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आता है तो ओ को ओ से पढ़ना है। नेक्स्ट, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसा कि अभी आपको बताया ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आता है तो हमें ओ को ओ से पढ़ना है, बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ वर्ड्स में हमें ओ को ओ से नहीं पढ़ना है, जैसे सम, कम, लव, डन, नन। ये कुछ वर्ड्स ही ऐसे होते हैं जिनमें हम ओ को ओ से नहीं पढ़ते बल्कि ओ को छोटे आ से पढ़ते हैं। इन सभी वर्ड्स में ओ को हमने आ छोटे आ से पढ़ा है और जैसा कि बताया था ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आता है तो ओ को ओ से पढ़ेंगे, वह रूल आपका यहाँ अप्लाई नहीं हुआ है। यही कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ से पढ़ते हैं, ओ ए को भी ओ से पढ़ते हैं, जैसे बोट, कोट, गोट, लोन, रोड, टोड। इन सभी वर्ड्स में ओ ए आया है और जब किसी वर्ड में ओ ए आता है तो ओ ए का उच्चारण हम
ओ से करते हैं, ओ एक उच्चारण ओ से करते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। अगर लास्ट में ओ आएगा तब भी हमें ओ को ओ से पढ़ना है। जैसे हेलो, डेमो, हीरो, लूडो, मेट्रो, इन सभी वर्ड में लास्ट में ओ आया है। और अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ आता है तब भी हमें ओ को ओ से पढ़ना है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ते हैं। अगर लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ेंगे। जैसे स्नो, स्लो, सो, येलो, विंडो, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है और ओ डब्ल्यू को हमने ओ से पढ़ा है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है तो हमें ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ना है। नेक्स्ट, कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते बल्कि ओ डब्ल्यू को आउ से पढ़ते हैं। मतलब कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें हम ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते, ओ डब्ल्यू को हमें आ उ से पढ़ना है। जैसे हाउ, नाउ, वाउ, एलाउ, इन सभी वर्ड्स में देखिए ओ डब्ल्यू आया है और ओ डब्ल्यू को हमने ओ से नहीं पढ़ा है, आ उ से पढ़ा है। कुछ वर्ड्स में हम ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ते हैं और कुछ वर्ड्स में हम ओ डब्ल्यू को आ उ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो ओ को छोटे आ से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में लास्ट में ओ एन या ओ आर आएगा तब हम ओ को छोटे आ से पढ़ेंगे। जैसे टेलर, डॉक्टर, यूनियन, लेसन, इन सभी वर्ड्स में देखिए ओ आर या फिर ओ एन आ रहा है और जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आएगा तो ओ का उच्चारण हम छोटे आ से करेंगे। नेक्स्ट, यू का उच्चारण, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच यू आए तो यू को छोटे आ से पढ़ते हैं। अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच यू आएगा तो यू को छोटे आ से पढ़ना है। जैसे रन, सन, फन, लक, जस्ट, डस्ट, इन सभी वर्ड्स में देखिए दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच यू आया है और जब भी दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच यू आएगा तो यू को छोटे आ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू को यो से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आएगा तो यू को हमें यो से पढ़ना है। जैसे प्योर, श्योर, क्योर, इन सभी वर्ड्स में यू के बाद आर ई आ रहा है और जब भी यू के बाद आर ई आता है तो हमें यू को यो से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो हम यू को यू से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आ रहा है तो हमें यू को यू से पढ़ना है। जैसे क्यूब, म्यूट, ट्यून, क्यूट, इन सभी वर्ड्स में देखिए यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया है और जब भी ऐसा होता है एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आता है यू के बाद तो हम यू को यू से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर से पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ रहा होगा तो हमें यू आर ई को
अर से पढ़ना है, यू आर ई को अर से पढ़ना है अगर वो लास्ट में है तो। जैसे नेचर, फ्यूचर, लेक्चर, कल्चर, इन सभी वर्ड्स में लास्ट में, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में यू आर ई आया है, और अगर यू आर ई लास्ट में आता है तो यू आर ई को हम अर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को बड़े ऊ से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आएगा तो यू ई का उच्चारण हम बड़े ऊ से करेंगे, यू ई को बड़े ऊ से पढ़ेंगे। जैसे ब्लू, क्लू, ट्रू, ग्लू, इन सभी वर्ड्स में देखिए सभी वर्ड्स के लास्ट में यू ई आ रहा है, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आता है तो हम यू ई को बड़े ऊ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ वर्ड्स में यू को ऊ से पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स में हम यू को छोटे ऊ से पढ़ते हैं। जैसे फुल, पुल, बुल, पुस, इन सभी वर्ड्स में यू यू को हमने छोटे ऊ से पढ़ा है। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को छोटे आ से पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ड में यू के बाद आर आएगा तो हमें यू को छोटे आ से पढ़ना है। जैसे बर्प, कर्ड, हर्ट, टर्न, बर्न, नर्स, इन सभी वर्ड्स में देखिए यू के बाद आर आया है और यू को हमने छोटे आ से पढ़ा है। जब भी यू के बाद आर आता है तो हम यू को छोटे आ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो, मतलब अगर कोई वर्ड यू से शुरू हो रहा है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो यू को छोटे आ से पढ़ना है। अगर कोई वर्ड यू से शुरू हो रहा है और यू के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट हैं तो हमें यू को छोटे आ से पढ़ना है। जैसे अंकल, अंडर, अर्जेंट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट, इन सभी वर्ड्स में देखिए यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आया है, और अगर यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आता है तो हम यू को छोटे आ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वॉवल्स आ रहा है तो यू को यू से पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी वर्ड में कोई वर्ड यू से शुरू हो रहा है और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वॉवल्स आ रहा है तो हमें यू को यू से पढ़ना है। जैसे यूनियन, यूरिनल, यूनिक, यूनिट, इन सभी वर्ड्स में देखिए यू से कोई वर्ड शुरू हो रहा है और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वॉवल्स आ रहा है। जब भी यू को यू शुरू, मतलब किसी वर्ड के शुरू में यू आएगा और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर वॉवल्स आता है तो यू को हम यू से पढ़ते हैं। इस वीडियो में ए ई आई ओ यू मतलब वॉवल्स के सभी रूल्स के बारे में बताया गया है, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये सभी रूल्स किसी नोटबुक पर लिखकर इनको अच्छे से लर्न करें, ताकि आपको ये परमानेंटली आपके माइंड में आ जाएं। ओके गाइस एंड डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।